वालेकुम क्लास, आज मैंने बच्चों आप लोगों के साथ चैप्टर नंबर 9 की 9.2 एक्सरसाइज के फर्स्ट 5 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। आपको सबसे पहले इनका मेथड बताऊंगी कि इस मेथड को आप कैसे फॉलो करते हो, फिर उसके रिस्पेक्ट से वन बाय वन आपको क्वेश्चंस बताती जाऊंगी कि कैसे सॉल्व करने हैं। अब देखिए, सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसके अंदर जितने करने हैं, इसके अंदर आपको एक वैल्यू दे दी जाएगी। आपसे कहा जाएगा आपने उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है यूजिंग डिफरेंशियल्स। डिफरेंशियल्स को यूज़ करके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। कुछ क्वेश्चन में कहा जाएगा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है चेंज इन यू, यानी फंक्शन में चेंजेस के लिहाज से। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जब हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू डिफरेंशियल्स के लिहाज से निकालनी होती है उसके स्टेप्स क्या होते हैं, फिर उससे रिलेटेड ये दोनों क्वेश्चंस करवाऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्राइटेरिया बताऊंगी कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चेंज इन फंक्शन कैसे निकालते हैं, फिर उसके रिस्पेक्ट से क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 करवाऊंगी। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए आपके पास है, अगर आपको कह दिया जाए कि हाउ टू कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ बाय यूजिंग डिफरेंशियल्स, कि आप लोगों ने अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है डिफरेंशियल्स को यूज़ करके, तो इसका आपके पास निकालने का मेथड क्या होगा। अब आप लोगों की आसानी के लिए बच्चों मैंने डिटेल में टोटल 5 स्टेप्स में इसके क्राइटेरिया को डिवाइड कर दिया है। जब भी कभी आपसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने का कहा जाएगा आप इन 5 स्टेप्स को फॉलो करोगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको स्टेप्स समझाती हूँ, स्टेप्स हैं क्या आपके पास। स्टेप नंबर 1 में आप लोगों ने क्या करना है, जब भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को डिफरेंशियल्स में चेंज करना है, चेंज द गिवन फंक्शन, जो आपको फंक्शन दिया जाएगा आपने उसको चेंज करना है इन जर्नल फॉर्म और वेरिएबल फॉर्म। अगर कोई फंक्शन आपको वैल्यूज की फॉर्म में दिया हुआ है, नंबर्स की फॉर्म में दिया हुआ है, स्टेप नंबर 1 में आपका ये प्रोसेस होगा, आप उसे जर्नल फॉर्म में चेंज करोगे। हर स्टेप के ऊपर मैंने एक एग्जाम्पल उठा ली, उसके रिस्पेक्ट से आपको बताती जाऊंगी कैसे कैसे चेंजेस करनी है। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि 299 का स्क्वायर है प्लस 399 का स्क्वायर है, आप इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताएं डिफरेंशियल्स का यूज करके, तो स्टेप नंबर 1 आपका क्या होगा, आपने फंक्शन को चेंज कर देना है जर्नल फॉर्म में या वेरिएबल फॉर्म में। तो देखिए, स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे इनटू एक्स एंड वाई, यानी जर्नल फॉर्म में चेंज कर देंगे। फर्स्ट टर्म की जगह को एक्स से रिप्लेस कर देंगे, सेकंड टर्म की जगह को वाई से रिप्लेस कर देंगे। स्टेप नंबर 1 में हमने जस्ट उसको जर्नल फॉर्म में चेंज करना है। अब उसके बाद स्टेप नंबर 2 देखिए, स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, यूज चूज अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, ये वाली जो वैल्यूज है आपने इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, अपने से बनानी है बाय कंपेयरिंग इट टू द ओरिजिनल क्वेश्चन। हमने ओरिजिनल क्वेश्चन से कंपेयर करके ये एक्स और वाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज बतानी है और उसके रिस्पेक्ट से हमने उनको चूज करना है और उस पर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यानी कि देखिए, अगर यहाँ पे x की वैल्यू आपको 299, यहाँ पे एक फंक्शन है उसकी वैल्यू 299 और 399 है, आपने स्टेप नंबर 1 में से जर्नल फॉर्म में चेंज कर लिया। अब स्टेप नंबर 2 में वो क्या कह रहा है, इन दोनों के करीब करीब इनकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज आप चूज करोगे, उसके रिस्पेक्ट से क्वेश्चन को सोल्व करोगे। तो देखो, अगर आप फर्स्ट टर्म को देखो, x को 299 वैल्यू उसकी एग्जैक्ट है, अगर मैं इसके करीब करीब वैल्यू चूज करूँ तो मैं 300 चूज कर लेती हूँ, 300 इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चूज कर ली। इसी तरह अगर 399 एक फंक्शन दिया हुआ है, मैं उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एक 400 यू चूज कर लेती हूँ, उसके करीब करीब। आपने हमेशा करीब करीब वैल्यू चूज करनी है। स्टेप नंबर 2 में आपने वैल्यूज चूज कर ली, वैल्यूज चूज करने के बाद स्टेप नंबर 2 होता है, जो वैल्यूज आपने चूज की होती है उसको फंक्शन के अंदर पुट करके उसकी वैल्यू निकाल लेते हो। तो जो मैंने वैल्यूज चूज की थी 300, 400, वो मैंने फंक्शन के अंदर पुट की और पुट करने के बाद वहां से उसकी वैल्यू निकाल ली। अब स्टेप नंबर 1 भी हो गया, स्टेप नंबर 2 भी हो गया। स्टेप नंबर 1 में हमने उसको जर्नल फॉर्म में चेंज किया था, स्टेप नंबर 2 में हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज उसके करीब करीब चूज कर ली एक्स और वाई की और उस पर हमने फंक्शन की वैल्यू निकाल ली है। अब नेक्स्ट देखिए, स्टेप नंबर 3 में क्या करना है।